वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली मैं इधर का ही हूँ, मैं पास। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है सोशल एक्सपेरिमेंट, जो थोड़ा रिक्सी भी है, मतलब थोड़ा धमाका करेंगे आज। जो एक महीना पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जितने रैंडम बंदे से पूछा था कि मेरा हेल्प कोई करेगा क्या नहीं, मुझे कोलकाता जाना है, मेरे गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। सो गाइस, आज लेकिन जो करेंगे थोड़ा धमाका, क्यों? इसलिए कि अपन जाएंगे डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस वाले के पास। जितने ट्रैफिक पुलिस वाले रहेंगे उन लोगों से पूछेंगे कि मेरा हेल्प करेगा क्या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि हेल्प करता है क्या नहीं ट्रैफिक पुलिस वाला, जो हम लोग अगर प्रॉब्लम में रहे, कोई बाइकर अगर प्रॉब्लम में रहे तो हेल्प करता है क्या नहीं। तो गाइस, तो कोई नहीं, तो अपन लोग अभी जाएंगे डायरेक्ट गाड़ी में मिलेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ को। और आप लोग देखें लास्ट तक वीडियो को, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो भाई को, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो। चलो फिर मिलते हैं गाड़ी में। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में। तो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों को पता है जो मैं आज सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर आज सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहे और लास्ट तक वीडियो को देखें। आई होप आप लोगों को मजा आएगा और तुम्हारा भाई इसी तरह का वीडियो हमेशा लेके आने की कोशिश करेगा। प्लीज भाई, आप लोग सपोर्ट किया करें, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और जो बंदे मेरे चैनल में नहीं है तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग देखें तो इंडिकेटर बंद करो, इंडिकेटर। बंदे से पूछा था उस टाइम पे, जो मुझे कोलकाता जाना है और मेरे गाड़ी में मतलब फ्यूल नहीं है, ये नहीं है। अरे अरे, सॉरी सॉरी गाइस, एक मिनट, मुझे एक्चुअली क्या है, जो मेरा मोबाइल और पर्स बैग में डालना पड़ेगा, तो उन लोगों को झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो इससे पहले थोड़ा अपना मोबाइल और बैग मतलब पर्स बैग में डाल लेता हूँ। फिर उन लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा, जो अपना मतलब पर्स कहाँ खो गया है और मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो पर्स डाल लिया, अब ये रहा मोबाइल, चलो मोबाइल डाल लिया। तो गाइस, तो आप पहुँच चुके हैं हाईवे में। तो तीन चार ज्यादा नहीं गाइस, तीन चार लोग मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले को पूछेंगे हेल्प करता है क्या नहीं। गाइस, हेल्प तो करना चाहिए आप लोगों के लिए। प्लीज भाई, आप लोग सपोर्ट किया करें, लाइक शेयर एंड गाइस वही बात, सब्सक्राइब करो। गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, कर लो प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और तुम्हारा भाई अभी निकल रहा है तो चलो एक्सपेरिमेंट के लिए, तो देखते हैं कोई ट्रैफिक। एक्चुअली सर, मैं आया था, मैं कोलकाता से, और मतलब मैं संडे राइड के लिए निकला था। तो मैं जब इधर से गया, मतलब मेरा पर्स कहीं पे गिर गया या चोरी हो गया मुझे पता नहीं है, और मेरा फोन पूरा स्विच ऑफ है, और मेरी जो गाड़ी है, मुझे अभी कोलकाता जाना है, और ज्यादा से 2 या 3 किलोमीटर जा सकता है। देख रहे हो काटा कैसा हो रहा है, 2 या 3 किलोमीटर जा सकता है, और मेरे पास मतलब जेब में 1 रुपया भी नहीं है। क्या मेरा कुछ हेल्प करोगे? क्योंकि ऐसे भी रेंडम किसी से पूछा, कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ तो मतलब सिर्फ मतलब पेट्रोल भरना है मुझे। अच्छा, जो देरी हुआ, लेट हो गया ना, हम पास भूल के भगाए। अच्छा, जेब में पैसा भी ना, मेरा कुछ पैसा भी ना, हम जो 50 सौ दूंगा कुछ पैसा भी मिलेगा। हाँ, वो 50 सौ भी अगर दे दो पेट्रोल डाल के, थोड़ा तो आगे आगे किसी से हेल्प ले सकता था। पास रहने से पैसा भगाया ना, जल्दी का चक्कर में फंस गया, चलाया। ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं आगे। तो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं, जो ये जो भाई बोल रहे हैं, जो मेरे पास मतलब पैसे नहीं है, एक्चुअली वो पर्स कहाँ भूल के आ चुका है। गाइस, ऐसे भी कोई गलत कमेंट आप लोग ना करें, आप लोगों को पूरा रियल कुछ भी मतलब स्क्रिप्टेड कुछ चीज नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को रियल दिखा रहा हूँ। गाइस, इन लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो अभी पुलिस वाले नहीं है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, दिन भर गाइस मतलब रोड में खड़े होके मतलब अपना ड्यूटी करते हैं। गाइस, इन लोगों की मंत्री बहुत ही ज्यादा कम है। गाइस, फिर भी मैं इन लोगों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो
सोचो आप लोग तो हेट कमेंट मत करना गाइस, इन लोग हेल्प, अगर इन लोगों का इस तरह से अगर इनकम होता तो इन लोग हेल्प जरूर करते गाइस। इन लोगों का मंथली इनकम बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन पूरा दिन दिन भर धूप में, ठंडी हो या गर्मी हो, ऐसा इन लोग गाइस ड्यूटी करते हैं रोड में। तो गाइस आप लोग हेट कमेंट ना करें और कुछ नहीं, बस आप लोगों से यही जगह इस जगह में पूछते हैं हेलमेट वेलमेट में गाइस, मुझे कोई पहचानेगा नहीं तो इधर पूछते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे आगे जाके दो तीन मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले को पूछेंगे और देखते हैं तो हेल्प करता है क्या नहीं। तो रुकिए, ट्रैफिक पुलिस वाले है किधर? सर आपसे एक हेल्प चाहिए मुझे, आपसे एक हेल्प चाहिए मुझे। तब मैं कोलकाता से आया था और संडे राइड के लिए निकला था मैं, और मेरी जो गाड़ी में मतलब फ्यूल मतलब एकदम खत्म हो चुका है, और मेरा जो पर्स कहाँ पे कहीं पे गिर गया या चोरी हो गया मुझे पता नहीं है। तो मुझे भी मतलब कोलकाता वापस जाना है, कुछ हेल्प कर सकते हो? मुझे तेल डालना है, हाँ मतलब फ्यूल डालना है, मुझे कोलकाता जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, जो मेरा पर्स मतलब कहीं पे गिर गया या चोरी हो गया मुझे पता नहीं है। हाँ अभी मतलब मतलब थाना में जाना पड़ेगा, एक तेल डालने के लिए थाना जाऊँ? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ हेल्प कर सकते हो क्या, वही पूछ रहा हूँ। मैं आगे गया, दो तीन पेट्रोल पंप पे गया गया हूँ, मैं उधर से आया हूँ, मैं अभी मैं इस साइड से आया हूँ, मैं इसलिए हाईवे से नहीं गया हूँ। जो कोई इधर अगर मुझे मेरी कोई पब्लिक हेल्प कर दे, गया था उधर भी, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा मतलब एक फ्यूल भराने के लिए फिर थाना पे जाऊँ, मालूम है इधर ही है, मुझे पता है। ठीक है, कोई नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? हेल्प चाहिए तो पीएस चाहिए। ठीक है कोई नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं कोई भी। अभी क्या थाना जाना है इतना, मुझे अभी मतलब मैं दो घंटे से हेल्प मांग रहा हूँ किसी से, कुछ मतलब कोई मिला नहीं अभी तक। ठीक है चलो कोई नहीं। तो गाइस तो इस लेडीज से पूछ के देखते हैं। एक मिनट, एक बात बोलूं, मैं एक्चुअली मैं आया था कोलकाता से संडे राइड के लिए आया था, तो मैं एक्चुअली मेरा पर्स कहीं पे गिर गया मुझे मालूम नहीं है, और चोरी हो गया गिर गया मुझे मालूम नहीं है, और मुझे जाना है कोलकाता वापस, और मेरी जो गाड़ी में तेल एकदम नहीं है, शायद दो तीन किलोमीटर जा सकता है, तो मेरा कुछ हेल्प कर सकते हो? नहीं नहीं होगा। तो गाइस तो देख सकते हो किस तरह का मतलब ये होता है। तो कोई नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। बस ऐसे मजाक मस्ती के लिए मतलब एक लेडीज से पूछ चुका था, लेकिन गाइस अपना टॉपिक है ट्रैफिक पुलिस वाले को। एक ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है पर्स नहीं लिखाया, और एक बोलता है जो डायरेक्ट थाने में जाओ। गाइस एक फ्यूल भराने के लिए गाइस थाने में जाओ, अगर गाइस सच बोला, एक बंदा मुझे कमेंट किया था गाइस डब्ल्यू बी वाले हेल्प नहीं करते, गाइस ये क्या सही है क्या? गाइस ऐसा नहीं है, और जिसने भी कमेंट किया है गाइस वो पूरा गलत है। शायद मैं इस जगह पे नहीं पहुंचा हूं जहां पे मतलब वो बंदा हेल्प कर सकता है, ऐसी जगह पे नहीं पहुंचा हूं, और ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जो मतलब हेल्प करना ही नहीं चाहता है। तो गाइस थोड़ा चलते हैं, सिर्फ तेल डालना है और मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं है। एक्चुअली मैं गया था संडे राइड के लिए, और मेरे मतलब पर्स कहीं गिर गया, तो मतलब हेल्प लेने के लिए आया हूँ मैं। मुझे कलकत्ता वापस जाना है, और मेरे जेब में कोई पैसे वैसे भी नहीं है, क्या तेल डाल सकते हो क्या? ब्लॉक ब्लॉक तो बहुत सुबह को ही खत्म हो चुका है, दो घंटे से घूम रहा हूँ मैं इधर उधर हेल्प मांगने के। पुलिस वाले तो कोई बोला, पुलिस वाला भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, और मुझे जाना है कलकत्ता।
नहीं मतलब हेल्प कर सकते हो वही पूछ रहा हूँ, क्या पेट्रोल डाल सकते हो यही पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं है। जबरदस्ती नहीं है, आप अगर नहीं भी कर सकते हो वो भी डायरेक्ट बोल दो, इसमें क्या है। अब आगे जाके और भी किसी, मैं मेरा गाड़ी अभी 2-3 किलोमीटर आगे जा सकता है, मैं उधर से मतलब पूछते पूछते आ रहा हूँ, मतलब अभी तक किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया है। क्या आपसे पूछ रहा हूँ क्या हेल्प कर सकते हो, या फिर अंदर जाके ऑफिस से पूछो क्या हेल्प कर सकते हो क्या नहीं। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, जाके एक बार पूछ लो, क्योंकि आप तो इधर काम करते हो, आप तो डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते हो, तो एक बार पूछ लो क्या हेल्प कर सकता है क्या नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं कोलकाता से आया था, संडे राइड के लिए गया था, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं उधर गया था, पर्स गिर गया या चोरी हो गया मुझे पता नहीं है, और मुझे वापस जाना है, कोलकाता जाना है, और मेरी जो गाड़ी में तेल है ज्यादा से ज्यादा या 2 या 3 किलोमीटर जा सकता है, क्या तुम कुछ हेल्प कर सकते हो, यही है। मतलब मेरे पास 1 रुपये भी जेब में नहीं है। ये तेल जो है अभी शायद ये 2 या 3 किलोमीटर जा सकता है। तो नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है। तो गाइस तो देख सकते हो गाइस, पेट्रोल पंप वाले में भी हेल्प नहीं किया है, तो चलते हैं आगे। एक्सक्यूज मी, आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहिए था मुझे। मैं एक्चुअली आया था, मैं कोलकाता से आया था, मैं संडे राइड के लिए आया था, तो मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं राइड पे या फिर मेरा पर्स या कहीं पे गिर गया या चोरी हो गया मुझे पता नहीं है, तो और मेरी जो गाड़ी है मतलब फ्यूल इतना सा भी नहीं है, और इधर से ज्यादा 2-3 या 1 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन उतने में तो मैं कोलकाता नहीं पहुंच सकता हूँ। क्या आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हो जो मैं पेट्रोल डाल सकता हूँ। मेरे पास मतलब जेब में पैसे ही नहीं है, मेरा पर्स कहीं पे गिर गया है। नहीं आप लोग अगर कुछ भी हेल्प कर सकते हो तो थोड़ा सा दूर जा सकता हूँ, फिर उससे कुछ किधर से हेल्प लेना है। मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ, एक्चुअली मुझे इस टाइम पे घर पे होना चाहिए था, और मैं इधर ही अभी भी पड़ा हूँ। अगर मेरा फोन अगर मतलब चालू रहता तो कोई परेशानी नहीं होता, मेरा फोन भी स्विच ऑफ है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी किसको अभी बोलूं मैं, मतलब मैं खुद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, फोन है लेकिन फोन स्विच ऑफ है, और मेरे जो जितने जो पार्टनर्स है, अच्छा पावर बैंक रखे हो, अच्छा है, वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली मैं इधर का ही हूँ, मैं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, मैं पांचकुड़ा का ही हूँ और मैं पांचकुड़ा राइडर ही हूँ, ठीक है। मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो मैं अगर बोलूँ किसी को, अगर मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा फ्यूल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करता है क्या नहीं, मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। तो इतना हेल्प किया बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक्चुअली मेरा फोन वोन जितना सब बैग में ही है, मेरा घर इधर ही है बाजू में, तो मैं ऐसा ही मतलब घूम रहा हूँ, पुलिस वाले से भी पूछा, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, और एक्चुअली कैमरा चालू भी है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो देखना रहेगा तो कल वीडियो मतलब 5 बजे तक आ जाएगा इस टाइम पे, तो ये चैनल सर्च कर लेना आप लोग, SSR ब्लॉक, ठीक है। हाँ ये मेरा चैनल का नाम है, हाँ यूट्यूब पे, ठीक है। कोई नहीं, आप लोगों से मिल गया अच्छा लगा। अरे क्या हुआ, आप लोगों ने मतलब उल्टा मुझे फंसा दिए, सच में मजाक नहीं है, आप लोगों ने जो पावर बैंक निकाले ना तो उल्टा मुझे फंसा दिए। तो कोई नहीं, आप लोगों से अच्छा लगा। ओह माय गॉड, वाओ, चलो कोई नहीं निकलता, पेट्रोल बहुत है, अभी तक कोलकाता से घूम के आ जाऊंगा। तो गाइस तो कोई लड़कियां मिल गए, तो चलो कोई नहीं।
तो सो गाइस, तो आज के लिए ब्लॉग इन तो इधर खत्म करते हैं। तो गाइस, इन लोगों ने अगर इन लोगों के पास पैसे नहीं है, इन लोग बोले कि स्टूडेंट है, इन लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन गाइस उन लोग मेरे फोन चालू करने के लिए मतलब पावर बैंक निकाल रहे थे मेरा हेल्प करने के लिए। सो गाइस अच्छा लगा, और कोई नहीं, तो गाइस तो आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और भाई कमेंट करो किस तरह का वीडियो बनाए और किस तरह का आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।